अपनी बुक्स नीचे गिरा दी है क्योंकि वो चाहता है वो खुद से पढ़े, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वो खुद से ट्राई कर रहा है पढ़ने का। डिटेक्टिव डॉग, वो चाहता है मैं अकेले चुपचाप बैठ के पढ़ूं, उसको पसंद नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लाइब्रेरी से दो बुक इशू करवाई थी। एक्चुअली मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे लिए बुक्स लेके आए थे वो इशू करा के। तो अभी मैंने वो पढ़ ली है और मुझे उसको रिटर्न कराना है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद लाइब्रेरी जाके और बुक रिटर्न करके आऊँ, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी देखी भी नहीं है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद लाइब्रेरी में जाऊं और बुक रिटर्न भी करूं और इशू भी करके आऊं। और मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूं कि देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। और आई थिंक वो सुबह मॉर्निंग में 9 या 8 o'clock, मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया, 8 या 9 o'clock पे ओपन होती है और इवनिंग तक आई थिंक 6-7 o'clock तक रहती है। संडे को टोटली क्लोज रहती है वो। तो आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, बुक इशू कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और ये कितना अच्छा है कि यहाँ पे हर एरिया में एक लाइब्रेरी होती है। चलते हैं, मैं आपको हमारी एरिया की जो बड़ी सी लाइब्रेरी है दिखाती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। हाय दोस्तों, मैं निकल चुकी हूँ फाइनली लाइब्रेरी के लिए और अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, इवन रियल फील्ड टेम्परेचर -7 degrees है। आप देख सकते हैं मैं फुल कितना पैक होके निकली हूँ और इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड कुल्फी जमी हुई है। तो मेरी बस है अभी, मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना है, मैं ऑन द वे हूँ और मिलते हैं फिर। अब फाइनली मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे और वो जो सामने आपको दिख रहा है ये है डिस्प्ले। यहाँ पे आपको बस का पता चलता है कि कब कौन सी बस कितनी बजे आने वाली है। ये 39A UCD लिखा हुआ है, ये 2 मिनट में आने वाली। गाइस, ये मेरी बस आ गई है और मैं जाती हूँ बस में। टू ब्लेंचेस टाउन, लाइब्रेरी के लिए। स्टडी भी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आपको कुछ क्लिक्स दिखाने जा रही हूँ लाइब्रेरी की, बट मुझे साइलेंट रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो चलते हैं लाइब्रेरी की शेयर करने। मशीन है यहाँ पे, आप खुद से बुक इशू कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे अपना अकाउंट जनरेट करना होगा जिससे आपके पास एक हार्ड कार्ड मिलता है और यहाँ पे आप रिन्यूअल कर सकते हैं, बुक को रिटर्न भी कर सकते हैं।
उसके डैडी को पढ़ा रहे हैं, वो ट्राई कर रहा है कि वो खुद से पढ़े। फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपनी बुक्स रिटर्न कर दी है और बेबी के लिए भी बुक्स ढूंढ के, और ये दो बुक्स मैंने उसके लिए इशू करवाई है। और गाइस बहुत सुंदर अच्छी लाइब्रेरी है, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने लाइब्रेरी देखी। वाह कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बुक देखो, वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे सोफे रखे हुए हैं, इतना प्यारा पीछे क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन हो रखा है, और इन्होंने हर सेक्शन सेपरेटली डिवाइड किया हुआ है। बच्चों का एक सेक्शन बना रखा है जहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, वो आगे बैठे और बुक्स भी रीड कर सकते हैं। एक ऊपर सेकेंड फ्लोर पर सेक्शन है सेपरेट जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ताकि आप वहाँ जाके कंप्यूटर पर भी बैठ के कुछ वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी शांति है और इतनी प्यारी है ये, यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं है। मैंने तो अभी तक ऐसी लाइब्रेरी इंडिया में तो नहीं देखी है, इंडिया में तो प्राइवेट लाइब्रेरी भी सीरियसली इतनी अच्छी नहीं हो सकती जो कि ये पब्लिक लाइब्रेरी है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलना भी अलाउड नहीं है क्योंकि बिल्कुल डिस्टर्बेंस होगा, बट फिर भी मैंने क्लिक्स ले लिए हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और गाइस मैं आपका मेरा आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और हम लोग अब घर के लिए रिटायर हो रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा, और प्लीज़ इसी के साथ मुझे अपना प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।